let's see the question question is aristotle lantern is found in and the options given are first it's sea urchin second is third it's starfish and fourth option is obelia. so let's see what is the key concept to solve this question so the key concept is that we should be knowing about this aristotle lantern and the organism in it in which it is found so

स्ट्रक्चर ऑफ माउथ हेपेटस हम इसको बोल सकते हैं या माउथ ही है तो इट इज द माउथ हेपेरेटस ऑफ अर्चिन इसको हम एरिस्टोटल क्यों कहते हैं इट वॉज डिस्क्राइब बाय एरिस्टोटल इट वॉज डेस्क्राइब बाय एरिस्टोटल इन हिज बुक तो इस वजह से इसको नाम दिया गया है एरिस्टोटल इट वॉज डिस्क्राइब बाय एरिस्टोटल एंड यू नो एरिस्टोटल इज द फादर ऑफ बायोलॉजी और इसकी इसको बिकॉज इसकी जो शेप है लेंटन तो पुराने जमाने में लालटेन यूज होते थे उनके जैसी शेप होती है इसकी तो एरिस्टोटल लेंटन फर्स्ट ऑफ ऑल ये माउथ से रिलेटेड है ये माउथ एपरेटर्स है किसका सी अर्चिन और इसको क्योंकि एरिस्टोटल ने डिस्क्राइब किया था और इसकी शेप पुराने समय में यूज होने वाले लेंटर्न और लालटेन से मैच करती है तो so, इसलिए इसे एरिस्टोटल लेंटर्न कहते हैं अब हम बात करें कि ये स्ट्रक्चर कैसे काम करता है इसके फंक्शन क्या हैं। तो एज आई टोल्ड यू कि ये अर्चिन के अंदर पाया जाने वाला एक उनका माउथ ही है एंड इट हैज फाइव जॉज में फाइव जॉज होते हैं एंड दीज जॉज आर कनेक्टेड टूगेदर बाय मसल्स तो ये मसल्स से कनेक्टेड होते हैं जॉज तो फाइव जॉज एंड कैल्शियम प्लेट कैल्शियम से बनी हुई प्लेट्स होती है एंड दीज आर कनेक्टेड माइ मसल एंड इट है इसमें टीथ प्रेजेंट होती तो टीथ है तो ये क्या काम करते हैं दे हेल्प इनपिंग एलगे ट्रोमस सर्फेस जहां भी किसी सर्फेस पे सपोज एलगी ग्रो की हुई तो उस सरफेस से एल्गी को स्क्रैप करने में फ्रॉम एनी सरफेस और साथ ही साथ क्योंकि इसमें टीथ प्रेजेंट है टीथ जैसे स्ट्रक्चर हैं इन आल्सो एंड बाइटिंग इन केस ऑफ फॉर्चून्स फॉर द ऑफ परिविंग बाइटिंग एंड स्क्रैपिंग यहाँ पे इनके माउथ पार्ट को ही हमने एरिस्टोटल लेंटन बोला है तो फ्रॉम द गिवन ऑप्शन अब देखते हैं कि एरिस्टोटल लेंटर्न किस में प्रेजेंट

As we all know, that starfish is a member of phylum Echinodermata, but it doesn't possess this. So, this discard ho jata hai. obelia or sefer. It is a member of phylum Cilinterata, but it does not have this. Starfish. So, the right answer where this Aristotle lantern is present is first option, the urchin. The right option is option 1. I hope you understood it well. Best of luck. Thank you.